हे फ्रेंड्स, वेलकम टू हैदराबादी खाना। आज हम कैरेमल एग पुडिंग बनाएंगे। इसके लिए हमने लिया है 8 eggs, 1/2 liter मिल्क, 250 ग्राम शुगर, इलायची पाउडर और वनीला एसेंस। हमने वेसल को स्टोव पर गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसमें हम 2 tablespoons शुगर ऐड करेंगे। शुगर को कैरेमल बनाना है। गोल्डन ब्राउन कैरेमल हुए तक हम शुगर को मेल्ट होने देंगे। हाई फ्लेम पर ही शुगर मेल्ट करेंगे हम। कैरेमल जल्दी से फॉर्म हो जाता। शुगर मेल्ट होना शुरू हो गई और कैरेमल फॉर्म होना शुरू हो गया। देखिए, लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो गया। पूरी शुगर मेल्ट होके पूरी कैरेमल बने तक हम हाई फ्लेम पर ही रखेंगे और वेसल को थोड़ा टिल्ट करते जाएंगे ताकि कैरेमल यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाए और शुगर भी पूरी यूनिफॉर्मली मेल्ट हो जाए। एक बार कैरेमल अच्छे से बन जाए तो हम वेसल को ठंडा होने के लिए रख देंगे कैरेमल सेट करने के लिए। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर का कैरेमल रेडी हो गया। अब हम स्टोव को क्लोज कर देंगे और वेसल को थोड़ा थोड़ा टिल्ट करके फैन के नीचे वेसल रख देंगे। वेसल ठंडा हो जाएगा तो कैरेमल भी अच्छे से सेट हो जाएगा वेसल में। कैरेमल सेट हुए तक हम पुडिंग की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैं एक एक अंडा एक बोल में डालकर मिक्सी के जार में डालते जाऊंगी। एक साथ एक जगह एक बड़े बोल में डालने से पता नहीं चलता कौन सा अंडा अच्छा है कौन सा ख़राब है, इसलिए हम एक एक अंडा तोड़ते जाएंगे और जार में डालते जाएंगे। सबसे पहले हम सारे एग्स और शुगर को ब्लेंड कर लेंगे मिक्सी में। इसमें वनीला एसेंस और इलायची पाउडर भी डाल देंगे, आपके प्रेफरेंस पे हैं। अगर आपको खाली एसेंस डालना है तो आप वनीला एसेंस डाल सकते हैं या खाली इलायची पाउडर या दोनों का मिक्स, जैसा भी आपको डालना है आप अपने हिसाब से डालिए। शुगर और एग्स अच्छे से ब्लेंड हो गए। अब हम मिल्क भी ऐड करेंगे और एक बार फिर से मिक्सी को चलाएंगे ताकि मिल्क भी अच्छे से ब्लेंड हो जाए। मिल्क, एग्स और शुगर सारे ब्लेंड हो जाए। देखिए कैरेमल कितना अच्छा से सेट हो गया। अब हम ये एग्स और मिल्क का मिक्सचर इसमें ऐड करेंगे। ये अब हम पुडिंग प्रेशर कुकर में बनाएंगे। ये स्टीम्ड पुडिंग है। इसके लिए हमने एक बड़े प्रेशर कुकर में एक स्टैंड रख दिया और उसमें अराउंड 3 cups पानी डाला। अब ये एग का मिक्सचर का जो वेसल है ये भी हम डालेंगे, उसके ऊपर एक लिड से कवर करेंगे और प्रेशर कुकर का लिड भी लगा देंगे। अब हम प्रेशर कुकर को स्टोव पर रख देंगे और 40 मिनट्स पुडिंग को स्टीम होने देंगे। प्रेशर कुकर का वेट नहीं लगाएंगे, बगैर वेट के ही हम स्टीम होने देंगे। पुडिंग को फ्रिज में रखकर हम कम्प्लीटली ठंडा कर देंगे। कम्प्लीटली ठंडा हो गया बाद हम उसको प्लेट आउट करेंगे। देखिए पुडिंग कितनी अच्छी से तैयार हो गई। एक बार हम नाइफ से चेक कर लेंगे कि बराबर स्टीम हुई या नहीं।
देखिए नाइफ एकदम क्लीन आ गई, इसका मतलब है कि पुडिंग अच्छे से रेडी हो गई। अब हम एजेस को ऐसा नाइफ से स्क्रेप करके एक प्लेट में पुडिंग निकाल लेंगे। इस तरह से प्लेट उल्टी रखकर आहिस्ता से वेसल को अपटर्न करेंगे और थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि पूरा, अगर थोड़ी भी बहुत भी अटकी हुई है तो वो भी निकल जाएंगी। वाह कितना अच्छा कलर आया कैरेमल का, ज़बरदस्त पुडिंग जम सेट हो गई। अब हम एक पीस काट कर देखेंगे किस तरह से बनी। टोटल 40 मिनट्स लगे हमको प्रेशर कुकर में, विदाउट वेट प्रेशर कुकर में पुडिंग बनाने के लिए। इसको स्टीम पुडिंग भी कहते हैं। स्टीम्ड एग कैरेमल पुडिंग हमारी रेडी है। देखिए कितनी अच्छी बनी, आप भी बनाइए, कमेंट्स में बताइए कैसी लगी ये डिश आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।